Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my YouTube channel, or welcome if you're watching this face for the first time. Make sure you have hit the subscribe button. You are part of my family because trust me, आप रिग्रेट नहीं करोगे. कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिल ही जाएगा मेरी वीडियोस से. सो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ 2020. एंड नो, इट्स नॉट शाहरुख सलमान की मूवी. कोरोना चल रहा है, कहाँ जाओगे, हमें घर पर ही रहना है. आई एम टॉकिंग अबाउट ज़िवामे ग्रैंड लॉन्जरी फेस्टिवल. एंड द रीज़न वाई इट्स ग्रैंड बिकॉज इस बार ऑफर्स काफ़ी ग्रैंड होने वाले हैं. यू कैन गेट अप टू 60% ऑफ विथ फ्री शिपिंग. येस, फ्री शिपिंग, तो कितना भी लो आपको फ्री शिपिंग पड़ने वाली है. प्लस 15-day ईजी रिटर्न एंड एक्सचेंज. बिकॉज जब लॉन्जरीज की बात आती है, एक्टिव वेयर्स, लाइक कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि अगर फिटिंग अच्छी नहीं होगी ना तो मजा नहीं आता. सो यू कैन ईजिली रिटर्न एंड एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू योर साइज. हमारी जो लड़कियों की जिंदगी की मूवी होती है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ा हीरो होता है वो लॉन्जरी ही होती है. नो, इट्स नॉट योर आउटफिट. बाहर कितने भी अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लो, अच्छे अच्छे लेबल्स के कपड़े पहन लो, लेकिन अंदर की लॉन्जरी अगर क्वालिटी नहीं होती, उसकी शेप परफेक्ट नहीं होती, उसका कलर परफेक्ट नहीं होता अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट, सब कुछ फ्लॉप हो जाता है. योर होल आउटफिट इज लाइक अ फ्लॉप. तो इन सब के बारे में बात करने वाली हूँ. एंड सिंस हम थोड़ा सा फिल्म फेस्टिवल की बात करें, तो मैंने थोड़ी बहुत बॉलीवुड इंस्पायर्ड लुक्स भी क्रिएट करी है हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस से. इतना एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश करी है. बिकॉज आई नो मेरी काफ़ी सारी टीनेज एंड यंग ऑडियंस है. काफ़ी लड़कियाँ अभी कॉलेजेस में जाएंगी, आउटफिट्स अच्छे अच्छे उनको पहनने होंगे फ्रेशर्स एंड ऑल पे. लेकिन अभी क्या इस एज में ज़्यादा पता नहीं होता कि कौन सी लॉन्जरी किसके साथ पहननी चाहिए. स्टार्टिंग विद द मेन हीरो ऑफ आर ग्रैंड लॉन्जरी फेस्टिवल हैज़ टू बी अ स्ट्रैपलेस ब्रा. लाइक ये लिटरली एक हीरो है, बिकॉज आजकल का जो फास्ट फैशन है ना, हॉल्टरनेक हो गया, वन शोल्डर, ऑफ शोल्डर, कोल्ड शोल्डर, कभी कभी बोटनेक हमारा टॉप होता है, या फिर कभी कभी हमें इंडियन में ब्लाउजेस पहने होते हैं जो थोड़ा सा ब्रॉड शोल्डर के होते हैं, उसके साथ हमेशा एक स्ट्रैपलेस ब्रा ही जाती है. एंड गो फॉर अ ब्रा जो लाइक आपके अगर वार्डरोब में लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा पेस्टल्स एंड वाइट्स पहनते हो, आई वुड एडवाइज यू टू गो फॉर अ न्यूड ब्रा. लेकिन मेरे पास ऑलरेडी न्यूड थी, सो दिस टाइम आई वेंट ऑन फॉर अ ब्लैक ब्रा. ये परफेक्ट है फॉर डार्क कलर्ड काइंड ऑफ क्लोथ्स. एंड इस ब्रा का नेम है ज़िवामे पैडेड वायर्ड 3/4 कवरेज स्ट्रैपलेस ब्रा. इसको स्ट्रैपलेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर आप इसकी स्ट्रैप हटा दोगे, आप इसको तभी भी पहन सकते हो. इट कैन बी वॉर्न जस्ट लाइक दिस, आपको स्ट्रैप की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी जो थिकनेस होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर ज़िवामे ब्रा इज दिस थिंग. ये आपको अच्छी क्वालिटी जो ब्राज होंगी ना, इसकी यही पहचान है. उसके अंदर ये ऐसी स्टिकी स्टिकी टेप काइंड ऑफ थिंग आती है. ये जो स्टिकीनेस होती है ना, यही एक्चुअल में स्टिक रहती है आपकी स्किन के साथ. बिकॉज कभी कभी बस थोड़ी हैवी होती है, सो डर रहता है कि थोड़ी गिर ना जाए, फिर लूजन अप ना हो जाए. बट ये जो स्टिकीनेस होती है ना, इसकी वजह से एक्चुअल में स्टिक रहती है. यानी पूरी पीछे तक जा रही है. जो स्ट्रैपलेस ब्रा होती है, उसका जो बैक का स्ट्रैप भी होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ताकि वो आपको होल्ड अच्छे से दे. गो फॉर द परफेक्ट साइज फॉर यू, जो आपका साइज है. एंड बाय द वे, अगर आप ज़िवामे पर फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हो, आपको अपना साइज नहीं पता, आपको बिल्कुल भी साइजिंग का आइडिया नहीं है, ज़िवामे की ऐप के ऊपर आपको एक फिट कोड मिलेगा. आप लेफ्ट साइड में जाओगे, नीचे जाके आपको एक फिट कोड दिखेगा. आप वहाँ पे जाओ, वो आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड उसके हिसाब से वो आपको साइज सजेस्ट करेंगे. एंड देन आप ऐप के ऊपर उस पर्टिकुलर साइज के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हो. अदरवाइज दे हैव इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज एज वेल. इस वाली लॉन्च डे के साथ मैंने यही लुक क्रिएट करी है, श्रद्धा कपूर ड्रेस. मेरे पास ऑलमोस्ट ऐसी ड्रेस थी. एंड यू कैन सी इसके अंदर जो स्ट्रैप्स है ना, वो काफी ज्यादा साइड में जाते हैं ड्रेस के. आप स्ट्रैप वाली ब्रा भी पहनोगे ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिखेगी, एंड देन आप अनकंफर्टेबल रहते हो उसको हाइड करने में. सो आई ऑलवेज गो फॉर अ स्ट्रैपलेस वन. इट्स कंफर्टेबल, ज्यादा दिखती भी नहीं है, एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल. मेरी मैक्सिमम आउटफिट्स के नीचे मैं हमेशा स्ट्रैपलेस ब्रा पहनती हूँ, बिकॉज इसका जो स्ट्रैप भी है वो काफी ज्यादा साइड से जाता है. सो इवन इफ यू आर वेयरिंग समथिंग विच इज वेरी ब्रॉड नेक, इसका स्ट्रैप तभी विजिबल नहीं होता. सो इट्स लाइक अ 2-in-1 काइंड ऑफ थिंग. आप स्ट्रैप के साथ पहनो ना भी पहनो, चल जाता है. कमिंग टू द सेकंड लॉन्जरी हैज टू बी माय फर्स्ट एवर परचेज, विच इज अ पुश अप ब्रा. इसका नेम है ज़िवामे पुश अप वायर्ड मीडियम कवरेज टी शर्ट ब्रा. ये भी वायर्ड है, पहले वाली में भी वायर थी बेसिकली. ये वाली जो फैंसी ब्राज होती है, ये वायर्ड ही आती है, बिकॉज दे हैव टू गिव अ नाइस शेप टू योर बस्ट. एंड ये स्पेशल ओकेजन के लिए ही परफेक्ट रहती है. सो द रीजन वाई वी कॉल इट अ पुश अप ब्रा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. आई होप यू कैन सी हियर, दे हैव अ पुश अप थिंग राइट हेयर. यहाँ पे एक्स्ट्रा कुशन दिया होता है, जो आपको बस्ट साइड से बस्ट को थोड़ा सा पुशअप वे में दिखाता है. एंड इसका जो फ्रंट एरिया होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, ऐसे जाता है. सो दीज काइंड ऑफ ब्राज आर परफेक्ट फॉर इंडियन अटायर. लाइक आप कोई भी ब्लाउज पहनते हो, इंडियन वाले डिजाइन के ब्लाउज होते हैं, सूट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डीप जाते हैं फ्रंट से. एंड वैसे भी काफ़ी सारी वी नेक ड्रेसेस होती हैं हमारी, टीज होती हैं, काफ़ी सारी आपने एक्ट्रेसेस को भी देखा होगा वेयरिंग दीज काइंड ऑफ लाइक वी नेक काइंड ऑफ टीज, एंड उनकी ब्रा बिल्कुल विजिबल नहीं होती. मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर वेयरिंग दीज काइंड ऑफ पुशअप ब्राज एज वेल.
काफी सारे केसेस में स्टिकॉन्स होते हैं, लेकिन अगर आपकी टी शर्ट ऐसे जा रही है देन यू कैन इजिली वेयर अ पुशअप ब्रा. ये बहुत अच्छी शेप देती है आपकी फ्रंट पार्ट को. एंड जस्ट इन केस यू आर नॉट दैट हैवी बस्टेड एंड आपको एक अच्छा लुक चाहिए वेयरिंग अ वी शेप काइंड ऑफ आउटफिट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. एंड इस बार मैंने जो कलर पिक कर लिया थोड़ा सा डार्क पिक कर लिया. आई ऑलवेज सजेस्ट अगर आप न्यूड कलर की ब्रा ले रहे हो हमेशा अपनी स्किन टोन से मैचिंग लो. कभी भी एकदम व्हाइट न्यूड कलर नहीं लेना, कभी भी एकदम डार्क न्यूड कलर नहीं लेना. इस बार मैंने नटमेग कलर पिक कर लिया. ऑल्दो मुझे अच्छा लगा, लाइक इतना डार्क भी नहीं है इतना लाइट भी नहीं है, ये चल सकता है आउटफिट्स के साथ. लेकिन अगर आप बिल्कुल व्हाइट कलर की टी शर्ट या फिर शर्ट फॉर्मल शर्ट पहनते हो देन आई वुड एडवाइज यू टू गो फॉर अ न्यूड कलर जो आपकी स्किन से काफी क्लोज होता है. एंड Zivame की सबसे बेस्ट बात है आपको हर एक ब्रास के अंदर शेड बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको अलग अलग तरह के शेड ईजिली मिल जाएंगे. सो यू कैन डेफिनेटली पिक इट अप अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन. नेक्स्ट आइटम इज अ वेरी रैंडम परचेज एंड आप भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ Zivame पे भी मिलता होगा, बट येस मिलता है. सो दिस इज अ Zivame लॉन्ग स्लिप इन द शेड ब्लैक एंड लॉन्ग एज इन काफी लंबी है. कैन यू सी द मॉडल राइट हेयर वेयरिंग? एंड मेरी हाइट तो और भी ज्यादा कम है तो मेरे को तो पूरी लंबी है स्लिप की तरह आ रही है. सो ऑल्दो दे क्लेम कि ये नाइटवेयर कैटेगरी के लिए होती है बिकॉज ये कॉटन स्पैंडेक्स का मिक्स होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखा होता. बाय द वे Zivame के हर प्रोडक्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन दी होती है पाइप्स के अंदर कि ये मटेरियल क्या है, वायर्ड है नॉन वायर्ड है, उसका मटेरियल क्या है. इसके ऊपर भी लिखा था कि ये कॉटन स्पैंडेक्स मिक्स है एंड इसका जो मटेरियल है वो हग वाला मटेरियल है. सो मुझे स्मॉल ही लेना चाहिए था, मैंने मीडियम पता नहीं क्यों पिक कर लिया, मे बी उस टाइम स्मॉल अवेलेबल नहीं था शायद, बट सिंस इसका बॉडी हगिंग वाला मटेरियल है ना तो मैं स्मॉल में भी फिट आ जाती, बट मुझे टमी से थोड़ा टाइट आता. सो आई एम हैप्पी कि मैंने मीडियम पिक किया है. सो ये क्या होती है, पूरी एक लंबी स्लिप होती है, लेकिन आजकल थैंक्स टू फैशन इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने मल्टीपर्पज बना दिया हर चीज को. यू कैन एक्चुअली वेयर इट आउटसाइड. यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ, मैंने एक डेनिम जैकेट के साथ पहनी है, नॉर्मल एक शर्ट के साथ पहनी है. यू कैन वेयर इट लाइक घर में भी आप ऐसी पहन सकते हो, अगर आप घर में कंफर्टेबल स्लिप्स पहनना प्रेफर करते हो ऐसे वाली. सो यू कैन डेफिनेटली वेयर इट एट होम एज वेल बिकॉज अच्छा कॉटन स्पैंडेक्स का एक कम्फी मटेरियल है. इसके अंदर न्यूड कलर भी था बट आई वेंट ऑन फॉर अ ब्लैक कलर. आई टेल यू वाई. मैं एक बार सरोजी नगर गई थी, मैंने वहाँ पे ना मैश वाले टॉप्स देखे थे एंड मैश वाली ड्रेसेस थी बड़ी लंबी लंबी. देन मैंने पिंटरेस्ट पे चेक किया, काफी लड़कियों ने मैश वाली ड्रेसेस के नीचे ऐसे स्लिप्स एंड ऑल ही पहनी हुई थी. सो डेफिनेटली अगर मुझे इन फ्यूचर कुछ अच्छी लंबी मैश वाला कुछ ड्रेस टाइप मिलती है सरोजनी से 100-200 की तो मिली जाएगी, मैं डेफिनेटली उसके नीचे यही पहनने वाली हूँ. अब जरा आ जाते हैं फिटनेस के ऊपर, एक्टिव वेयर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सो मैंने उस सेक्शन में पिक किया है ये, दिस इज द Zilosity इजी मूवमेंट न्यू ड्राई टी शर्ट. आई गेस न्यू ड्राई एज इन जो इसका मटेरियल होता है वो क्विक ड्राई होता है, फटाफट से सूख जाता है. बिकॉज अगर आप जिमिंग करते हो, योगा जुम्बा, अब तो लॉकडाउन धीरे धीरे खुल गया है, अब शायद जिम्स भी खुल जाए, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, पार्क जाते हो, घर में भी एक्सरसाइज करते हो, हद ज्यादा ना स्वेटिंग होती है. आप ऐसे कॉटन की टीज में अगर एक्सरसाइज करोगे ना, बाय द वे हद ज्यादा स्वेटिंग होगी, वो स्वेट को जल्दी एब्जॉर्ब करके सुखाता नहीं है, बहुत ज्यादा गीला गीला हो जाता है. सो ऐसे वाला जो मटेरियल बना होता है ये जिमिंग पर्पज एंड एक्सरसाइज पर्पज के लिए ही बना होता है. ये ब्रांड Zilosity की, एंड बाय द वे Zilosity से मैंने काफी बार पहले भी चीजें ली हुई हैं. पुराने वाले हॉल में आपने देखा होगा Zilosity के हर कपड़े के अंदर ना ऐसे आपको ड्रॉप्स की फॉर्म में चीजें दिखती है. कैन यू सी, आई होप मैं कैमरा कैन फोकस, कैन यू सी, ड्रॉप्स की फॉर्म में दिखती है. जिम टाइट्स के अंदर भी ऐसे आपको ड्रॉप्स की फॉर्म में दिखती है. सो इसका जो ड्रॉप 2 है, सो इट इज फिट फॉर मीडियम इंटेंसिटी वर्कआउट. हाई इंटेंसिटी के लिए भी आपको Zivame के ऊपर कपड़े मिल जाएंगे. सो मीडियम इंटेंसिटी के अंदर ये बोल रहे हैं ये पिलाटे डांस एरोबिक्स एंड साइकिलिंग के लिए परफेक्ट है. सो हर एक आउटफिट जो एक्टिव वेयर आपको Zivame पर दिखेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वो आपको बता देगा ये कौन सी कैटेगरी के लिए फिट है. सो अगर आप जुम्बा करते हो, डांसिंग करते हो, आप टाइप 2 में जा सकते हो. अगर आप हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हो, डेफिनेटली आप हाई इंटेंसिटी वाले कपड़े पिक करना. दिस टी आई क्रिएटेड अ जिम काइंड ऑफ लुक इंस्पायर्ड फ्रॉम श्रद्धा कपूर. यू कैन सी इमेज राइट हेयर. मैंने काइंड ऑफ सेम क्रिएट करने की कोशिश करी है. टाइट्स भी जो मैंने इसके अंदर पहनी है वो भी Zilosity ब्रांड की है. आप पुराने वाले हॉल में जाके देख सकते हो. आई लव दीज पॉलिएस्टर वाली टाइट्स, ये मुझे बेटर फील होती है बिकॉज जुम्बा डांस एंड ऑल करने में ना ये ज्यादा कंफर्टेबल रहती है. एंड द ब्रा दैट आई एम वेयरिंग इनसाइड इट इज दिस वन. दिस इज अगेन फ्रॉम Zivame. ये मैंने अपने पुराने वाले हॉल में ली थी. सो काफी कंफर्टेबल है. ये भी आई गेस फिट फॉर मीडियम इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए है. एंड इसका जो पीछे क्रॉस बैक काइंड ऑफ पैटर्न आता है ना, ऑल्दो आप इसको स्ट्रेट में ही पहन सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे क्रॉस वाले मैनर में ही पहनती हूँ जैसे ये आई हुई है, ऐसी क्रॉस्ड में आती है. वेरी वेरी कम्फी. मूविंग ऑन टू अनदर एक्टिव वेयर अकॉर्डिंग टू Zivame, लेकिन मेरे लिए ये आलस वेयर है बिकॉज आई वेयर दीज ट्रैक पैंट्स व्हेनेवर आई एम इन माय आलसी मोड एट होम. एंड लॉकडाउन चल रहा है, मतलब स्टे एट होम चल रहा है, लॉकडाउन तो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, लेकिन स्टिल हम मैक्सिमम टाइम अभी भी घर पर ही रहते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छे ट्रैक पैंट्स में आप इन्वेस्ट करो. सो दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड Zilosity. द नेम ऑफ दिस ट्रैक पैंट इज, लेट मी जस्ट कॉल आउट, Zilosity इजी मूवमेंट मिड
राइज ट्रैक पैंट्स एंड मैंने इसका साइज लिया है XS, कैन यू इमेजिन। सो मेक श्योर आप हर एक प्रोडक्ट का ना साइज चार्ट जाके देखो। आप जब साइज के ऊपर नीचे क्लिक करोगे ना, उसके बाद एक और ऑप्शन आता है साइज चार्ट का, एंड इसके साइज चार्ट के अंदर XS में लिखा था 28 वेस्ट, एंड मेरी 28 ही मुझे आती है, एंड ये एक्चुअली मुझे सही आ रहा है। मुझे लगा था XS मैंने ले लिया मुझे टाइट तो नहीं आएगा, लेकिन ये मुझे बहुत कंफर्टेबल आ रहा है। प्लस इसकी पॉकेट्स भी बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी पॉकेट है। सो सैनिटाइजर तो आ ही जाएगा, अगर आप ऐसे पजामे ले रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इधर उधर वॉकिंग के लिए तो लेते ही हो। अगेन इसका भी फिट कोट वाला सीन है, दे हैव द फिट थिंग राइट है, जो ड्रॉप्स बनी हुई आती हैं। सो इसके ऊपर एक ही ड्रॉप बनी हुई है, बिकॉज ये लाइट काइंड ऑफ लो इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए है। ये योगा, जॉगिंग एंड वॉकिंग के लिए परफेक्ट है। सो अगेन पॉकेट्स भी हैं, परफेक्ट है, बाहर भी पहन सकते हो, घर में भी इजिली बैठ सकते हो। मटेरियल इसका कॉटन स्पैंडेक्स मिक्स है, लाइक कॉटन पॉलिएस्टर लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मुझे अच्छा कॉटन ही फील आ रही है। पॉलिएस्टर मे बी इसको स्ट्रेच के लिए दिया होगा, बट डेफिनेटली वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड पॉकेट्स हैं तो मेरे लिए तो बेस्ट हो गया है। सो इससे मैंने लुक क्रिएट करी है दिशा पटानी की, वही लुक जो मैंने पिंटरेस्ट पे ढूंढी। आई सी मेनी एक्ट्रेसेस वेयरिंग दीज काइंड ऑफ ट्रैक पैंट्स, जैसे साइड में वाइट लाइन जा रही होती है, स्पेशली जब वो एक लेजी एयरपोर्ट लुक के अंदर आती है। मैंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा है, सो ये बाहर भी कंफर्टेबली चल जाता है। सो लेट्स टॉक समथिंग इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो अबाउट यू गर्ल्स, लेकिन मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा विलन है ना, वो है मेरा टमी फैट। एंड सिंस मुझे PCOS हार्मोनल नॉल के इशू है ना, तो बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है मेरी टमी के ऊपर। ओवरऑल मैं पतली हूँ, लेकिन मेरी टमी हद से ज़्यादा बाहर है, एंड मैं कभी कभी अगर अच्छी फिटेड ड्रेस पहनना चाहती हूँ ना, वो बहुत वियर्ड लगता है, बिकॉज टमी ऐसे बाहर निकल के आता है। सो इसीलिए मैंने पिक किया है ये। दिस वन इज अगेन फ्रॉम ज़िवामी, दिस इज द ज़िवामी टमी कंट्रोल मिड वेस्ट बॉय शॉर्ट पैंटी। यू कैन सी राइट हियर द मॉडल इज वेयरिंग लाइक सो। सो बेसिकली ये बॉय शॉर्ट फॉर्म में पैंटी ही होती है, आपको इसके अंदर पैंटी पहनने की जरूरत नहीं है, ये खाली आप पहनोगे। एंड ये सिंस पूरी ऊपर तक जाती है, बिकॉज इट्स इन अ फॉर्म ऑफ टमी टकर, सो आपके पूरे टमी को टक्ड इन रखती है। द रीजन व्हाई आई पिक्ड अप अगेन स्किन कलर, बिकॉज स्किन कलर सबके साथ जाता है। अगर आप लॉन्जरी खाली एक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, टमी टकर एक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऑलवेज गो फॉर अ न्यूड स्किन कलर, बिकॉज ये डार्क के साथ भी चलेगा, लाइट के साथ भी चलेगा। लाइक काफी ब्लैक के नीचे शायद थोड़ा शो अप हो जाए अगर आपका ड्रेस का मटेरियल बहुत पतला है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर आप व्हाइट काइंड ऑफ ड्रेस पहनते हो, पेस्टल शेड ज्यादा पहनते हो, सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से चलने वाला है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। एंड ब्लैक भी अगर आपका थिक मटेरियल का कपड़ा होगा तो ये विजिबल नहीं होगा। सो दिस आउट लुक्स लाइक, मैंने मीडियम साइज पिक किया है, एंड जब ये आया आई वाज लाइक यार ये मुझे नहीं आएगा, ये मुझे फंसेगा, बट दैट्स हाउ इट वर्क। जो टमी टकर का काम होता है वो यही होता है, इसका स्ट्रेच काफी अच्छा है, जब इसको पहनोगे तो आपके टमी को एकदम टक्ड इन कर देगा। मैं आप इमेजेस दिखाने वाली हूँ जैसे कैसे कैसे मैंने ड्रेसेस के नीचे ये पहना हुआ है, एंड कैसे मेरी टमी थोड़ी सी टक्ड इन थोड़ी लग रही है। एंड ऐसा भी नहीं है कि सांस लेने में बिल्कुल मुश्किल हो जाती है, काफी कंफर्टेबल लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये पैंटी फॉर्म में है, सो बॉय शॉर्ट पैंटी है, सो मुझे अलग से एक अंडरगारमेंट पहनने की नीड नहीं है, पूरा एक सेट बन जाता है। एंड कभी कभी अगर ड्रेस थोड़ी शॉर्ट हो तो उसके नीचे शॉर्ट्स का भी एक तरह से काम कर देता है, सो इट्स मोर लाइक अ टू इन वन फॉर मी। एंड एज आई ऑलवेज से द बेस्ट इज सेव फॉर द लास्ट, लेकिन इस बार मैं बोलूंगी द क्यूटेस्ट इज सेव फॉर द लास्ट। लुक एट दिस, हाउ क्यूट इज दैट। ये है प्रॉपर नाइट वेयर जिसको आप एक्चुअल में रात में पहनोगे, आप इसको मतलब बाहर भी घूम सकते हो अगर आपको क्यूट क्यूट नाइट वेयर पहनना पसंद है, बट लुक एट दिस हाउ क्यूट इज दैट। ये भी ज़िवामे ब्रांड का है बेसिकली, एंड इसके ऊपर ऐसे शीप वाले पैटर्न बने हुए हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा पुराना ज़िवामे हॉल देखा होगा, मैंने एक बार शार्क वाले प्रिंट के मंगाए थे, वो भी बहुत क्यूट सेट है। ज़िवामे के जो नाइटवेयर वाले सेट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, लाइक द प्रिंट्स आर सो क्यूट एंड क्वर्की। ऐसे नाइटवेयर को पहन के ना बड़ी यंग यंग वाइब आती है, बिल्कुल बच्चों वाली फील आती है। आई स्टिल रिमेंबर एक कार्टून आती थी जिसके अंदर वो रात को सोता था, वो ऐसे शीप्स को काउंट करता था। आई डोंट रिमेंबर कौन सी कार्टून थी, मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना, मुझे याद नहीं आ रहा उस कार्टून का नेम। सो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कुछ इस तरह से दिखता है, इट हैज़ अ स्मॉल टाइनी पॉकेट एज वेल, ऐसी बस शो के लिए नहीं है, मतलब अच्छी खासी डेप्थ भी है, बट क्या ही डालोगे इसके अंदर। एंड द पजामा इज अगेन द सेम, पूरा जो प्रिंट है वो भी सेम जा रहा है। अगेन द बेस्ट थिंग अबाउट ज़िवामे नाइटवेयर सेट, इट हैज़ अ पॉकेट, हाउ कूल इज दैट। बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि इसको खाली घर पर ही पहनोगे, एंड ऐसे जो अच्छे वाले नाइटवेयर होते हैं ना, जो क्यूट क्यूट प्रिंट वाले होते हैं, हम हमेशा अपने ट्रिप्स एंड ऑल के रखते हैं। एंड ट्रिप पे अगर आप होटल में भी स्टे कर रहे हो, आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, सुबह मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता है लॉबी के अंदर, सो पॉकेट होनी बहुत ज़रूरी है। एंड एज आई सेड कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जो भी पजामा लो उसके अंदर पॉकेट होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज सैनिटाइजर तो हमें रखना ही पड़ेगा। दिस नाइटवेयर सेट इज काइंड ऑफ इन रिजेंबलेंस विद सोनम कपूर्स नाइटवेयर, जो उन्होंने खूबसूरत मूवी के अंदर पहने थे। एंड वैसे भी वो जो पहले पोस्ट करती थी ना, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी, दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू ज़िवामे नाइटवेयर। ऐसे वाले क्वर्की प्रिंट्स आपको इजिली ज़िवामे के ऊपर मिल जाते हैं, प्लस जब 60% ऑफ चलता है ना, तो अच्छे खासे डील डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई पिक्ड अप दिस टाइम, लेकिन अगर आप और देखना चाहते हो आप मेरे प्रीवियस हॉल्स देख सकते हो, मैंने उसके अंदर और अलग अलग तरह की कैटेगरीज, लॉन्जरी, स्पोर्ट्स वेयर कवर करी हुई है।
है, आपको मेरा एक ओपिनियन जानने को मिल जाएगा, प्लस आपको साइज का आइडिया लग जाएगा आपको कौन सा कलर कैसा साइज पिक करना चाहिए। मैं सारे जो प्रीवियस हॉल है मैं नीचे लिंक कर दूंगी, डू चेक दम आउट। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक इट। ऑल्सो मेरा कोड भी चल रहा है जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, कशिका जिवामे इज माई कोड। आपको ऑफ तो ऑलरेडी मिल रहा है, अप टू 60% ऑफ तो चल ही रहा है इस टाइम, प्लस कशिका जिवामे कोड लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिलेगा विद 15-day ईजी रिटर्न एंड एक्सचेंज, प्लस फ्री शिपिंग तो दे ही रहे हैं। सो इट्स लाइक सोने पे सुहागा, एवरीथिंग इज लाइक बेस्ट। घर बैठे बैठे शॉपिंग करो, पैसे ही बचते हैं, कन्वीनियंट भी रहता है एंड कोरोना से भी थोड़ा बहुत बचे रहते हो। ऑल्सो जिवामे के सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर बहुत अमेजिंग सा कॉन्टेस्ट चल रहा है, आपको जिवामे की ऐप डाउनलोड करनी है एंड इस टाइम ऐप के अंदर आपको 5 हिडन गोल्डन टिकट्स ढूंढनी है ऐप के अंदर। बाकी सारी जितनी भी डिटेल्स है मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।